आपके नाम से और इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मुंबई रफ्तार को मैं नमन करता हूँ जो हर वक्त मेरे पास आते हैं और मेरे हर इवेंट में वो मुझे साथ देते हैं। इसलिए मैं मीडिया को और मुंबई रफ्तार को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ प्रदीप जैन साहब को जो यहाँ पे आए हैं मेरे साथ, और मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी बहन, मेरी मुँह बोली बहन है लेकिन वो खुद की बहन से भी बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन है जो अनु कश्यप जी, एक एक्ट्रेस है और इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू बोलता हूँ मेरे जितने भी यहाँ पे मेरे को एक्टर आए हैं, इन सभी का मैं नमन करता हूँ। बेसिकली फिल्म का नाम है मैं हूँ ऑटो वाला, जिनको लिखा है, स्टोरी मेरा है, लिखा है डायरेक्टर, मतलब लेखक और डायरेक्टर है अजहर हुसैन। एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ में और अपने दम में बहुत कुछ किए हैं। तो ऐसे एक शख्स हमारा फिल्म को संभाल रहे, और मेरी फिल्म कोई बड़ी बजट नहीं है, ना कोई बड़ा स्टार है, बस हम नया नया कलाकार हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जो लोकेशन जो दे रहा है, जिनका नाम है नवड़ा पुटमैन सर, जो मलाड के किंग है, तो वो हमें लोकेशन हेल्प कर रहे हैं, मतलब मलाड में जो हम शूट कर रहे हैं तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी मुझे हेल्प मिल रहा है लोगों से, जैसे ब्राइट कंपनी का जोगेश सर है जो मुझे होर्डिंग हेल्प कर रहे हैं, मीडिया से लोग मेरे पास आते हैं तो मीडिया वालों को मीडिया मुझे हेल्प कर रहे हैं। तमाम मेरे जो भाई है मिलन जाना, वो मुझे हेल्प करता है, कभी कभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे हेल्प करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर दामोदर राव जो म्यूजिक देते हैं, और उन्होंने शांतनु और दामोदर राव हमारी म्यूजिक दिया है। थैंक यू फॉर हमारे सिंगर जो उदित जी है, शबाब शावरी है, और अभी न्यू गाना एम के आर के जो हमारी टाइटल ट्रैक गा रहे, और जो मेन्स हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक अच्छे उभरते हुए कलाकार है, आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है, जिसका नाम है प्रिया तिवारी, वो भी हमारी हीरोइन है। तो आज कुछ काम के लिए वो फंस चुकी है इसलिए आए नहीं यहाँ पे, और बाकी सब लोग आए हैं, मेरे महाराज जी आए हैं, गुरु जी भी आए हैं यहाँ पे, ये तमाम यहाँ पे लोग आए हैं। मैं खाली इतनी बोलता हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई बड़ा स्टार हूँ, छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग की मोहब्बत चाहिए। हर रोज़ 12 बजे कल्याण जी जाना फेसबुक में, मैं हर रोज़ एक मुद्दा लेके आता हूँ, हर रोज़ 12 बजे 12 से 1 एक मुद्दा है, नया नया मुद्दा, नया टॉपिक, नया जोश लेके मैं आता हूँ, ये सब के लिए मैं लेके आता हूँ। मैं मीडिया से इतने बोलता हूँ, कल्याण जी जाना फेसबुक आईडी पे आप लोग आए, 12 बजे मैं मुद्दा को मैं लेके आता हूँ, 12 से 1 बजे तक वो मुद्दा मेरा चलता है। आपके पास कोई मुद्दा हो तो प्लीज़ वो मुद्दा बोलें। और एक बड़ी बात है, महाराष्ट्र में गुजरात में और एक यूपी में, ये 3 जगह पे उन लोग ने एक बंदा, अलग अलग बंदा मोबाइल पे ग्रुप चला रहा है, उनकी मोबाइल पे ग्रुप का नाम है गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रहा है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ जो मेरे नाम से वो व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रहा है, और इनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेरे फैंस को, तमाम मेरे मीडिया को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे डैडी मम्मी को, मेरे गुरु को जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं सैल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र की मिट्टी को, महाराष्ट्र के लोगों को, और यहाँ की हमारी मुंबई देवी माँ को। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल मीडिया, थैंक यू, लव यू मुंबई रफ्तार। सर आपसे जानना चाहेंगे शूटिंग जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, कितनी तैयारियाँ हो गई है उसके बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली शूटिंग है हमारे 22 तारीख से है, 22 तारीख से मलाड में है। मुझे काफ़ी लोगों ने साथ दिया था, कल्याण जी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, और काफ़ी लोगों ने मेरी उनकी फ़ोटो फेसबुक पर डाला जो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं है मेरी फिल्म में, ना उन लोग साथ दिया है। तो हमने एक दिन शुरू किया था, मुझे दर्द होता है जो 2 महीना मेरा खराब गया है, 2 महीना मेरी डायरेक्टर जो है उनकी एक फिल्म था मद्रास में, वो फिल्म छोड़ के मेरे पास खड़ा है, उसको जाने को मैं दिया नहीं हूँ। तो अजहर जी का बहुत सारा काम था, तभी भी उसने मेरे लिए किया नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मेरे लिए काम नहीं किया है, वो बैठे थे यहाँ पे। लेकिन ऐसे मैं शख्स को बोलता हूँ, अगर आपको नहीं लगाना है पैसा, अगर आपको मुझे साथ नहीं देना है तो प्लीज़ ना बोलना चाहिए, आपको ऐसा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे जो बल वाले हैं, हम लोग कुछ करने वाले हैं, हम लोग टूट जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हमारा फिल्म का प्रोड्यूसर है मेरी माँ, मेरे बाप, डैडी, मम्मी, मेरे ऑल मेरे को स्टार जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे डायरेक्टर, मेरी जो ऑटो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो जो ऑटो, तो वे तमाम जो लोग हैं यही है मेरा प्रोड्यूसर, बाकी मेरा कोई प्रोड्यूसर नहीं है। कोई अगर बोलेगा कल्याण जी की फिल्म में मैं पैसा लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहे हो पैसा, जो भी है मेरे पास, जो भी है पूंजी है, मैं उसमें फिल्म में पैसा लगा रहा हूँ,
कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है तभी भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अलाउंस कर दिया, लोग हंसते हैं, अरे कल्याण जी तो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो तो सब कुछ करता है, वो तो ऐसा ही है, तो वो ना बोले इसलिए मैं वो शुरू कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपने पूछा, एंड थैंक यू, मैं बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और इंग्लिश जो इंग्लिश लोग जो आए थे वो थैंक यू बोल के चला गया, तो वो थैंक यू को हम लोग अपना लिया, लेकिन हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, तो थैंक यू बोलना पड़ता सब वो सबको, क्योंकि हम कुछ दे नहीं पाता जेब से, बस थैंक यू बोल के उसको मैं प्रणाम करता हूँ। एंड नवड़ा पुटमैन जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे लोकेशन दिए है, एंड थैंक यू सो मच अजहर हुसैन डायरेक्टर, एंड थैंक यू दामोदर राव जो नहीं आए हैं, पता नहीं आजकल बड़ा आदमी वो बन चुका है इसलिए वो आता नहीं आजकल, एंड थैंक यू सो मच, बड़ा आदमी बन जाओ, गरीब आदमी एक दिन बनने वाला है, तो प्लीज़ मत छोड़ो गरीब आदमी को, एंड थैंक यू अनु कश्यप, लव यू ऑल, दुआ में याद रखना, मैं हूँ आप सभी के गरीबों का एक्टर कल्याण जी, जाना मुझे प्यार देना। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आज हमारे साथ हैं अनु कश्यप जी, जो बहुत जल्द ही मैं हूं ऑटो वाला में नजर आने वाली हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके का किरदार निभाने वाली हैं वो। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि मैं हूं ऑटो वाला, उसकी जल्द ही शुरुआत होने वाली है, किस तरीके का किरदार है आपका, क्या रोल कर रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रही हूँ, जो कि बहुत सोच समझ के मेरे भाई ने, मेरा मुंह बोला भाई है जिसकी ये फिल्म है कल्याण जाना, तो अब उन्होंने मेरे लिए बहुत बेस्ट सोचा होगा और मुझे भी बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। ये रोल मुझे बहुत पसंद आया, बाकी की स्टोरी मुझे बाद में बताएंगे, फिलहाल मैं जब फिल्म शुरू हो जाए, कैसे जल्दी शुरू हो जाए उसकी वेट में हूँ। 22nd से ये फिल्म शुरू हो रही है और हम लोग आपको बहुत जल्दी इसका शूट करके पूरी फिल्म तैयार करके दिखाने वाले हैं। और कुछ कल्याण जी जाना जो है उनको गरीबों का एक्टर कहा जाता है, और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जब वो आपके पास ये रोल लेकर आए तब आपकी क्या फीलिंग थी और क्या रिएक्शन था आपका। जितना भी मैं उनके बारे में जानती हूँ कि उन्होंने इतनी भलाई के काम किए हो, इतने सारे सोशल वर्क करते हैं और सब वो अच्छा ही सबके लिए सोचते हैं, तो जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी फिल्म में आपके लिए एक रोल है इंस्पेक्टर का, तो मुझे ऐसा लगा मेरे लिए मेरा भाई कैसे गलत सोच सकता है, तो मैं तभी समझ गई थी। मैं हूँ ऑटो वाला जो नाम है वो काफ़ी अलग है, हटके है, तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब इसकी स्टोरी तो आपको ऑब्वियसली अभी आपने बताया पूरी नहीं पता, पर कहीं ना कहीं आपके किरदार के बारे में हम कुछ और थोड़ा बहुत जान सकें। जो सारे ऑटो वाले होते हैं बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बिकॉज उनको कभी कभी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि डे में भी और नाइट में भी काम करते हैं, कितना मतलब वो काम करने के बाद अपने शहर जो भी है उनका पटना यहाँ वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ अकेले रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ये सब दिखा रहे हैं उसमें, और फिर उन पर कुछ थोड़ा सा किसी भी पॉलिटिक्स वैसे किसी भी अत्याचार होने लगता है जो कि नहीं होना चाहिए, और मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ जिसमें मैं मुझे ये ठीक नहीं लगेगा और मैं उनकी थोड़ी हेल्प करना चाहूँगी, इस टाइप का मेरा किरदार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तक तो स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट है, गाना अभी 4 गाने रेडी हो चुके हैं फिल्म के लिए, और ऑलमोस्ट सभी एक्टरों की कास्टिंग हो चुकी है, फिल्म का लोकेशन देखा जा चुका है, और हम लोग 22 तारीख से यानी कल डे आफ्टर टुमारो हम लोग फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, सुबह का हमारा वक्त रहेगा फिल्म की शुरू करने का, और इस फिल्म को हम लोग लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म भी कर देंगे, बाकी गाने का शूट है वो अलग लोकेशन में हम लोग शूट करने वाले हैं, और इस फिल्म से रिलेटेड कुछ घटनाएँ जो रियल हुई हैं मुंबई शहर में वो हम लोग इस फिल्म में दिखाने वाले हैं, जो कि रियलिस्टिक है, उसको लोग देखने के बाद एक्सेप्ट भी करेंगे, और जो ऑटो वाले की जर्नी है उस जर्नी को भी लोग देखने के बाद समझेंगे, हाँ वो एक ऑटो वाला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर को कमाने के लिए और घर को चलाने के लिए निकलता है, उसकी लाइफ की जर्नी क्या रहती है बिहाइंड द ऑटो ड्राइविंग, जो वो ऑटो ड्राइविंग नहीं करता उसके पीछे उसकी लाइफ क्या है, सब हम लोग दिखा रहे हैं इस फिल्म के अंदर में। सर जैसे कि आपने बात की कास्ट ऑलरेडी तय हो चुके हैं, सिलेक्ट कर लिया आपने, और स्टोरी ऑटो रिक्शा वालों पर है, तो कितने रियल कैरेक्टर्स चूज किए हैं आपने, इसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म के अंदर में एक कैरेक्टर हमारे लगभग रियल है, जो कि हमें थोड़ा उन्होंने सहयोग भी सपोर्ट किया है स्टोरी को बताने के लिए, कि उनकी जर्नी क्या होती है, उनका मूड क्या होता है जब ऑटो चला रहे होते हैं, पीछे आके एक सवारी बैठता बोलता भैया चलो फटाफट चलो हमें वहाँ जाना है, पर उसे ये नहीं पता उस ऑटो वाले का मूड क्या है उस वक्त में, पर उस हमने इन चीज़ों को समझने के लिए
एक ऐसे करेक्टर को हमने साथ में भी रखा है, वो करेक्टर प्ले भी कर रहे हैं और हमें उस चीज़ों के बारे में समझा भी रहे हैं। तो कुछ रियलिस्टिक चीजें आपने यूज की है, जैसे कि आप बता रहे थे फिल्म में, तो वो रियलिस्टिक चीजें क्या है उसके बारे में? वो रियलिस्टिक एक्चुअली पॉलिटिकल से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र में कुछ एक बार ऐसा हादसा हुआ था कि यूपी और बिहार के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बस चुके हैं मुंबई महाराष्ट्र में, तो उनके काफ़ी ज़्यादा होने के वजह से वो अनएजुकेटेड होते हैं, तमीज़ नहीं होता उनको, तो वो ऐसा मानते हैं महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि पर ये नहीं पता मराठी जितने मराठी लोग हैं किसी भी पोस्ट पे हैं वो ऐसा है उनका कि वो खुद तो मराठी एजुकेशन से पढ़ के आए होते हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम का कुछ ज्ञान नहीं होता, फिर भी क्या होता है ना कि वो इन्हें तमीज़ सिखाते हैं यूपी वालों को कि आप तमीज़दार बन जाओ, पर ऐसा नहीं है। वो एक जय महाराष्ट्र हर कोई बोलने वाला मराठी नहीं हो जाता, वी आर इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तान की जय कहें तो हम लोग सब एक रहेंगे, एकता तभी हमारी बनी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक कंट्री नहीं है, महाराष्ट्र एक देश का हिस्सा है, जैसे स्टेट कहा जाता है तो कंट्री है जो देश है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जय करें तो बेटर रहेगा। मैं खाली इतना बोलता हूँ, मैं इतनी बोलता हूँ आप सभी को, जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, मैं जो भी दिखा रहा हूँ फिल्म के अंदर, जो भाई को मैंने जो मैंने स्टोरी दिया है, जो भाई ने लिखा है, जो यूपी बिहार के लोग वो चोर नहीं है, ना वो गलत है, यूपी बिहार के लोग हमारे भाई हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में है। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र कोई पाकिस्तान में नहीं है, ना महाराष्ट्र कोई चीन में है, महाराष्ट्र सिर्फ इंडिया में है और हम भी इंडिया वाले हैं, तो किसी के बाप का दम नहीं है जो हमें महाराष्ट्र से निकाल दें। और एक बात मैं बोलता हूँ, ये नेता लोग चिल्लाते रहेगा, भोगते रहेगा, यूपी से मत आओ, बिहार से मत आओ, बंगाल से मत आओ, क्यों नहीं आए भाई? जब महाराष्ट्र के लोग जब जाते हैं यूपी में बिहार में, हम मना करते हैं, जब कोलकाता में आता है हम मना करते हैं, नहीं करते ना, उसको आदर करता है, प्रेम करता है। और यूपी के लोग मेहमान को भगवान मानते हैं, और महाराष्ट्र के लोग मेहमान को मार के तुम भगाते हो, ये कौन सी भाई किताब में ये गंध में है? और दूसरी बार आपको और एक बार मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक मराठी, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार की एक नारी जिसको यूपी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई रानी बनाया, उसको रानी बनाया हमने, यूपी के लोग ने रानी बनाया, वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से है, जब उसको हम यूपी में रानी बना सकते हैं तो यूपी के लोगों को तुम क्यों भगाते हो मार के? ये हमारी फिल्म के अंदर है, और किसी की दम नहीं है जो यूपी के लोगों को भगा दे। यूपी अगर भाग गया, यूपी और बिहार के लोग, तो महाराष्ट्र खोखला हो जाएगा, महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, कौन चलाएगा ऑटो, कौन बेचेगा भाजी? तुम खाली मार के भगाते हो, कभी दिल में हाथ रख के देखा तुम भाजी बेच सकते हो? तुम चलाओगे ऑटो? नहीं चलाओगे। तो मैं इतनी बोलता हूं, यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, बंगाल के हो, वो है तो हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से तो नहीं आया ना, चीन से आया, तो क्यों मारामारी करती हो? पाकिस्तान के लोग यहां पे आके फिल्म में काम करता है, गाना गाता है, तब हम उसको प्यार से बुलाते हैं, नमन से बुलाते हैं, और इंडिया के लोग अगर इंडिया में आके अगर कमाता है खाता है तो उसकी बूछ मारते हो तुम, क्यों भाई ऐसा, क्यों ऐसा? बूछ मारना ही है आपको, चीन को मारो, पाकिस्तान को, जो गद्दार है, बूझ उसको मारो जो हमारे खिलाफ बात करता है, बूझ उसके मार दो जो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बातें नहीं करता, हिंदुस्तान का वो नागरिक है, हिंदुस्तान के वो बातें करते हैं और तुम उसकी बूझ मारते हो। मैं खाली इतनी बोलता हूँ, नेता लोगों को, जो नेता जो होता है ना, वो घर में अच्छा लगता है, बाहर आता है तो बन जाता है हैवान। नेता जब तक वो वोट ये मांगते हैं तब तक हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगने के बाद वो अपने आप को शेर समझता है, ऐसा शेर को हमने नेता नहीं बोलता, नेता उसको बोलते हैं जो सबको लेके चलता है, सबको लेके विकास करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलता है। इसलिए हमने ये फिल्म के अंदर ये सब हम लोग दिखा रहे, क्योंकि एक जमाना था राज ठाकरे साहब ने, मैं उनको नमन करता हूं क्योंकि वो महाराष्ट्र का बहुत बड़े एक नेता है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राज ठाकरे के काफ़ी लोगों ने मारामारी किया है, जो यूपी वाले को मार मार के भगाता है, भाजी वालों को ये मारता है, मार के भगाते हैं। मैं राज ठाकरे को मैं नमन करता हूं क्योंकि हिंदुत्व का एक राजा है वो, लेकिन आपके लोग जो मारते हैं आपको सुबह देता है, उन्हें पता भी नहीं होता इस बारे में, पता भी नहीं होता है, उन्हें पता तक नहीं इस बारे में। आप बताओ, भाजी वाले को तुम मारते हो, क्या बुराई किया? ऑटो वाले को मारते हो, एक कमजोर को मारते हो? मारो ना, जो शेर है आपके सामने खड़ा होता है उसको मार के देखो, नहीं मारोगे, कमजोर को मारोगे। तो ये सब जो कहानी है ये हम फिल्म में दिखा रहे हैं, फिल्म का नाम है मैं हूं ऑटो वाला, सच्ची कहानी में फिल्म बना रहे हम, डरेंगे नहीं, मत रिलीज करने दो, जलाओ पोस्टर को।
सब कुछ करो लेकिन हम बनाएंगे, ये मेरे वादा है। और रिलीज होगी, जरूर होगी, ये हमारा वादा है। क्या बात, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और किस तरीके से मैं हूँ ऑटो वाला से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शाबू अंसारी है और मैं रहने वाला हूँ बिहार छोड़ा दोनों पिपरा मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। और इस पिक्चर में जो मैं काम करने वाला हूँ वो है मेरा डिज़ाइनिंग का। तो एनीवेज जो भी है, अक्सर करके देखे कि हम कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं या कोई भी, तो उसमें डिज़ाइनिंग क्या हो जाता है कि इक्वली रहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आपको देखने को मिलेगा और वो अच्छा भी लग रहा है इनके साथ काम करके। थैंक यू। मेरा नाम बी आशीष है और मैं नागपुर से हूँ। करीबन मुझे 10 साल हो गए बॉम्बे में और मेरी ये पहली फिल्म है मेरे लाइफ की कि एज अ लीड कॉमेडियन मैं कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं मेरे दोस्त कल्याण जी जाना का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और उसके बाद प्रेस मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे दोस्त अजहर हुसैन, इनका मैं बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस फिल्म में मैं कॉमेडी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो बात करने का अंदाज़ है, मेरी खुद की आवाज़ नहीं, जब मैं बात करता हूँ तो लालू जी के अंदाज़ में बात करता हूँ, लालू जी के अंदाज़ में बात करता हूँ। कोई भी अगर कोई बात पूछे तो मैं लालू जी की आवाज़ में पूछता हूँ। जैसे एक जोक्स है, मैं बताता हूँ, थोड़ा हंसी आ जाए इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक बार लालू जी फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो किसी जो वहाँ पर वेटर होते उन्होंने लालू जी से पूछा इंग्लिश में, लालू जी यू वेजिटेबल यू नॉन वेज? तो लालू जी कहने लगे, इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में बतिया करो। तो बोले तो ठीक है, हम हिंदी में पूछते, आप बताइए लालू जी आप शाकाहारी है कि मांसाहारी? तो लालू जी बोले, पहली बात तो ना ही हम शाकाहारी हो और ना ही हम मांसाहारी हो, तो आप कौन हो लालू जी कौन? बस हम तो बस बिहारी हो। थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप जैन है, मैं समाज सेवक हूँ। मेरे भाई ने मुझे आज बुलाया वैसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ये भाई है वो गरीबी में से आए हुए, उनको माने गरीबी क्या हो रही है, उन्होंने गरीबी उनको एहसास है कि क्या है, उनका एक दिमाग में आया सपना आया वैसे कि मुझे भी गरीबी के समय जो माहौल चल रहा है मुंबई में महाराष्ट्र में और उड़ीसा वाले के साथ में, उसके हिसाब से उनकी उनके परिवार के हिसाब से उन्होंने उनके मन की के हिसाब से दिल की आवाज़ उन्होंने ये पिक्चर का चाव किया हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं ये उनके ऊपर ये मैं बस वो पॉइंट बोलने का सपने ये कि इन्होंने गरीबी के ऑटो सवार की जो परेशानी आ रही है, जो उनके दिल है, उनके परिवार है, अपने परिवार मुंबई के बाहर से रूपी से यहाँ पे आकर सब कर रहे, उनका परिवार अकेले वहाँ पर, ये अकेले वहाँ पे कैसे दिन रात कैसे सो रहे, रात को दिन भर पारी मरा ऐसा, वो कभी कभी इनको बहुत परेशानी आ रही है, उनकी जो परेशानी आ रही है वो ये पिक्चर में जो उनके पिक्चर में आएगी वो किसी को मालूम नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए कि इनको इनका भी दिल है, इनका भी मन है, इनका भी इनको भी राइट्स है। कैसे हमारे PM नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, वो इनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, वो ऑटो सवार का भी विकास होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम समीर मकवाना है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और फर्स्ट फिल्म एज अ ला रहा हूँ हॉरर फिल्म। कल्याण जी जाना मेरे काफ़ी अच्छे 10-12 साल से दोस्त है, वो जो गरीबी के पॉइंट को लेकर आज चल रहे हैं उनकी गरीबी हमने देखी, पिछले 12 साल से उनको स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है, तो ये पॉइंट जो है उनका, मैं हूँ ऑटो वाला यूपी बिहार वालों के ऊपर और ऑटो वालों के लिए ये फिल्म जो बना के लेके आ रहे मार्केट में, वो फिल्म से शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और स्पेशली फॉर राज ठाकरे जी की आंखें खुल जाएंगी। पहले तो मैं नमन करता हूँ मीडिया को और नमस्कार करता हूँ सभी फ्रेंडों को। और मेरा नाम बेसिकली आबिद हुसैन है और मैं जो रहने वाला हूँ वो यूपी दिल्ली के मुरादाबाद के गजरौला से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पापा का नाम जो है वो जाकिर हुसैन है और मेरे घर में जो है 5 बहन भाई हैं, हम एक सिस्टर है और 4 भाई हैं। फिल्म में जो मेरा रोल है वो मुख्य भूमिका है और मैं निगेटिव रोल कर रहा हूँ इसमें, जो नेताजी होते हैं उनका राइट हैंड हूँ। मैं यूपी से हूँ और जो इसमें जो इस फिल्म के जो हीरो हैं मैं उनका दोस्त हूँ, मैं एक
रिक्शा वाला हूँ, रिक्शा। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ, मोरसम गांव से। मैं इस पिक्चर में मैं हूँ ऑटो वाला, इसमें मैं कल्याण जी हीरो है, उनका राइट हैंड हूँ, ये रोल निभा रहा। ऑटो वाले उनका राइट हैंड। जी, इस मीडिया के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं यूपी से हूं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, औंका गांव। और कल्याण जी हमें जो है इस फिल्म में लिए हैं, मैं इस फिल्म में एक ऑटो ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और ऑटो ड्राइवर हम सब दोस्त का रोल हम प्ले कर रहे हैं, ये हमारा। नमस्कार, हमारा नाम शिवम यादव है, मैं यूपी जौनपुर का हूँ। और इस फिल्म में मैं एक ऑटो चालक का रोल कर रहा हूँ। कल्याण जी सर ने मुझे अपने फिल्म में हमें आने का मौका दिया। आप रियल लाइफ में भी ऑटो ड्राइवर हैं या आप? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं हूँ ऑटो वाला। में इसमें मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें मेन कैरेक्टर हैं कल्याण जी जाना, मैं उनका राइट हैंड रहता हूँ। और इस मैहू ऑटो वाला की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, जो आप लोग देखते हैं मुंबई शहर में, यहाँ जितने ऑटो वाले कैसे चलाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे वो लोग 18 रुपये से मीटर स्टार्ट होती है, कैसे वो 2-4-5 सौ रुपये कमाते, वो रियल स्टोरी दिखाई जा रही है। इसमें एक खास बात बहुत ये है कि इस मैहू ऑटो वाला में एक ऐसा ऑटो दिखाने जा रहे हैं जो मुंबई का बहुत फेमस ऑटो है, बहुत नाम है, शायद आपने इंटरनेट में गूगल व्हाट्सएप पर देखा होगा, जिसका बहुत नाम है, बहुत सारी फैसिलिटी है, टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो ऑटो दिखाए जा रहे हैं इस मूवी में। और आप बताइए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और किस तरीके का दिखाएंगे? थैंक यू मीडिया आपको सो मच। मैं यूपी से, मेरा नाम परमेश्वर यादव है, हमारे हीरो कल्याण जाना जी हैं, जिसमें फिल्म का नाम है मैं हूँ ऑटो वाला, उसमें मैं कल्याण जाना जी का दोस्त हूँ, उसमें दोस्ती निभा रहा। हाँ, मैं यूपी उरई से हूँ, मेरा नाम कुलदीप पांडे है, मैं इस फिल्म में एक पंडित का रोल अदा कर रहा हूं। और मैं कल्याण सिंह जाना को बहुत ही सपोर्ट करता हूं, बहुत ही आदर्श मानता हूं कि जिन्होंने हमको एक फिल्म में एक कैरेक्टर का रोल अदा किया है। और मैं उनकी इस फिल्म को इतनी ऊंचाई भगवान दे, परमात्मा दे, कि इस फिल्म से सारे महाराष्ट्र की धरती पर, जो महाराष्ट्र की धरती पर लोग रहते हैं, उनकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि किसी संत ने लिखा है कि सबल को सताना सुनाना कभी, निर्बल ही जगत में सताए गए। क्योंकि जब व्यक्ति सबल को सताएगा तो फिर सामने आ जाएगा कि कितने पानी में है। लेकिन निर्बल ही यूपी से आते हैं, कमज़ोर लोग आते हैं, पैसा लेकर नहीं आते हैं, उनको लोग महाराष्ट्र के लोग यहाँ परेशान करते हैं। तो मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन यूपी और बिहार के लोगों को आप सभी लोग प्यार दें, सच्चा इंसान सच्ची राय बरतने का एक सुविचार प्रसिद्ध करें। और मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड हीरो को कल्याण सिंह जाना को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार मीडिया, मेरा नाम धर्मेश है, मेरा इस पिक्चर में कोई रोल नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ आया हूँ। और हम लोग वैसे बहुत जगह गए थे इस काम के लिए, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ बहुत पैसा मतलब मांग रहे थे। तो हम लोग को मेरी नीचे ही दुकान है, तो एक दिन सर आए थे, तो उस दिन मैंने सर से बात की, तो सर बोलते उसको लेके आओ, तो मैं उसको लेके आया था। तो सर ने वो उसके इधर सर के इधर आ रहे थे सीखने के लिए, तो सर को उसकी एक्टिंग लगी अच्छी लगी, तो उसको सर ने दिया। इसके लिए मैं सर को बोलना चाहूँगा, शायद पूरे हिंदुस्तान में एक ही हो, हम लोग इतनी जगह जाके आए लेकिन सर जैसा कोई नहीं दिखा, सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। सबसे मैं बंगाली हूँ, मुंबई में नालासोपारा में रहते हूँ। तो ये जो नया पिक्चर है मैं हूँ ऑटो वाला, वो पिक्चर का हीरोइन का माँ का रोल कर रही हूँ मैं। और किल्लन जी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे को ये मौका दिया है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया नाइज 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक। Thank you.